I could करने वालीफिकली फॉर विंटर्स बहुत लड़के हमारे पूछती है कि आप विंटर्स में कैसे मेकअप करते हो बिकॉज देखो विंटर्स में काफी बड़ा शिफ्ट आता है स्किन टाइप में भी ऑयली ऑयली स्किन नहीं रहती हल्की सी ड्राई हो जाती है बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत ग्रीसी हो जाती है तो बैलेंस बना के रखना होता है एंड नॉट जस्ट विर मेकअप में

के लिए फिर आता है हाइड्रेट प्लस नरिशिंग क्रीम जो है नॉर्मल स्किन टाइप के लिए और फिर लास्ट में आती है है ये क्लियर प्लस नरिशिंग क्रीम जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन स्किन के के लिए इज़ क्लोज टू टाइप इस वाले अंदर आपको मिलता ग्रीन टी साइलिकॉनिक एसिड एसिड ये सारे इंग्रीडियंट्स मेरी स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है अगर आपको भी एक्ने स्किन टाइप की कंडीशन है विंटर्स में आपको एक अच्छी क्रीम चाहिए दिस इज रियली ग्रेट फॉर यू इसको आप बॉडी पर भी यूज कर सकते हो बाय दिस क्रीम इज परफेक्ट फॉर योर फेस एंड बॉडी बोथ तो एक टब में आपका दोनों का भी काम हो जाता है सो so इसको मैं अच्छे से डॉटिंग वे में अच्छे से सारे को अप्लाई करूंगी जहां पर ज्यादा ड्राइनेस है मैं वहां पर ज्यादा लगाती हूँ यू कैन सी कितनी अच्छे से ये ब्लेंड हो रही है स्किन में आइकोलॉजी का वैसे ही वाटर बेस्ड हाइड्रेशन ब्रांड है तो इनका टेक्स्चर काफी लाइट होता है बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता इंडियन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट होता है ऑल्सो इन नरिशंग क्रीम्स में आपको बहुत अच्छा ब्लेंड मिलता है फ्रूट्स एंड एक्टिव्स का विच इज परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप ये नॉन स्टिकी है ग्लोइंग स्किन आपको देती है एंड इट डज नॉट क्लॉग योर पोर्स ये येलो वाली ग्लो रेंज भी मेरी फेवरेट है यह काफी अच्छी है अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है इसमें एक ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको मिलता है यह आप ले सकते हो एकोलॉजिका की ऑफिशियल वेबसाइट्स इफ यू डोंट नो एकोलॉजिकाइज पीटा फ्रूट वीगन क्रोवल्टी फ्री एंड फ्री फ्राम ऑल दोज हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैरबिंथाइलेट सल्फेट आप कोड यूज कर सकते हो कशे ट्वेंटी फोर एक्स्ट्रा ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन एकोलॉजिकाज वेबसाइट और अगर आप इसको दूसरी वेबसाइट से चाहते हो आपको एमेजॉन नायका पर भी मिल जाएगा लेकिन वहां पर कोड अवेलेबल नहीं है द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन सो डू चेक इट आउट अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेकअप के साथ सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्राइमर जो है लैक में एप्सल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर ये तो सेकेंड ट्यूब है जो खत्म होने वाली है और ये मैंने गिरा दिया एज यूजल आधे प्रोडक्ट्स तो शूट करते टाइम ही वेस्ट हो जाते हैं सो so, मैंने दोबारा स्वीज़ आउट किया एक तो वैसी इतनी मुश्किल से स्क्वीज़ हो रहा था बट दिस इज़ वेरी नाइस ये विंटर्स में बहुत अच्छा एक प्राइमर है अगर आपकी भी थोड़े से पोर्स हैं एक्ने के जो स्कारिंग होती है उसको आपको फिल करना है सो दैट एक अच्छी स्मूथ लुक आए मेकअप की आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो मैं विंटर्स में सिलिकॉन बेस वाले नहीं यूज़ करती बिकॉज स्किन ऑलरेडी हल्की सी ड्राई

काफी अच्छी होती है uh, मैं चेंज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम और आजकल मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है बाय द वे अगर आपको नहीं पता क्राइलॉन में दो बेसिस आते हैं एक आता है डर्मा एक आता है सुप्रा सुप्रा जो ये वाला बेस मैं यूज कर रही हूं ये ऑयल बेस्ड होता है ये ग्रीस बेस्ड होता है सो यह अभी ड्राई स्किन कंडीशन के लिए काफी अच्छा है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डर्मा वाले इनके ले सकते हो डर्मा में भी आपको ऐसे डिफरेंट कलर्स मिलते हैं और आप देख सकते हो मैंने अपने सारे डार्क सर्कल्स एक्ने मार्क्स उसके ऊपर अच्छे से लगा लिया है फटाफट लगाती हूँ ट्रस्ट में ये वाला रूटीन करने में मुझे पांच मिनट भी लगता है मैं ट्यूटोरियल बना रही हूँ इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है फिर मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का फाउंडेशन जो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन और फिर मिक्स करने वाली हूं मार्स का टेक अ ग्लो एलुमिनेटिंग प्राइमर इसका नाम एलुमिनेटिंग प्राइमर है लेकिन ये एलुमिनेटर का ही खाली काम करता है द द शेड इज़ मून ग्लो बाय वे जीरो इसका मैंने खाली एक टीग टाइनी सा पंप लिया मैं दोनों को मिक्स करने वाली हूँ विंटर्स में मैं जो फाउंडेशन यूज करती हूँ वो एकदम टोन टू टोन यूज करती हूँ लाइटर फाउंडेशन नहीं यूज करती हूँ बिकॉज समर्स में पसीना आके ऑक्सीडाइज होने का चांस होता है लेकिन विंटर्स में कोई ऑक्सीडेशन इतनी होती नहीं है जो इसलिए मैं जो फाउंडेशन मेरी स्किन टोन से एग्जैक्ट वही यूज करती हूँ मैच मैं स्क्रीन पे के ब्यूटी का जो शेड है एंड लुक एट द ग्लो ये एलुमिनेटिंग प्राइमर डालने से बहुत अच्छा ग्लो आता है सो so, ब्लेंड करने के बाद अब आती है ब्लश की बारी मैं यूज कर रही हूँ ये क्रीम ब्लश बाय सिम्पली नैम एंड ओ माय गॉड दिस इज़ सो सो है जब से मेरे पास आया ना पी में मैं इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ मैंने आई थिंक अपने नवंबर या अक्टूबर फेवरेट्स में भी ये फीचर किया था दिस इज़ वेरी गुड ये गर्ल नेक्स्ट डोर ये शेड है और इसका इतना प्यारा कलर टोन आता है ना जो विंटर्स में भी अच्छा लगता है ये वो लाल लाल वाला ब्लश नहीं है सो so, अगर आपको भी एक नेचुरल लुकिंग ब्लश चाहिए ना इंडियन स्किन टोन के लिए ये वाला बहुत अच्छा कलर है आप डेफिनेटली ले सकते हो थोड़ा सा नोज पर लगाती हूँ ज़्यादा नहीं लगाती मुझे ज़्यादा ब्लश ही नोज इतनी पसंद नहीं हल्का सा लगा रही हूँ और इसका ग्लो बहुत अच्छा आता है

मैंने पहले शूट किया वो रिकॉर्ड बटन पे क्लिक क्लिक नहीं किया था तो दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आई शेडो थोड़ी ज्यादा लगा दी अदरवाइज मैं इतनी नहीं लगाती एवरीडे बेसिस पे काफी म्यूटेड आई शेडो रखती हूँ और आजकल का जो मेरा फेवरेट लाइनर चल रहा है ये प्लम का कलर्ड लाइनर द शेड एक्वा वेव इसका बहुत प्यारा एकदम एक्वा आईसी वाला कलर है ये विंटर्स में काफी अच्छा लगता है अभी जो मैंने आउटफिट पहना ना शायद इस पे इतना खिलना रहा हो लेकिन विंटर्स में अगर आप कोई लाइट कलर के स्वेटर्स पहनो या डार्क कलर का भी कोट पहनते हो ना तो आप आइस पर कुछ मत करो आप खाली लिक्विड लाइनर लगा लो एंड इट विल जस्ट लेवल अप योर लुक और यहाँ पर मैं आई को टोन डाउन कर रही हूँ बिकॉज शूट करने के चक्कर में थोड़ी ज्यादा लगा दी थी लाइनर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है एकदम लुक ही चेंज हो जाती है कलर्ड लाइनर लगाने से सो अगर आप भी लेजी हो ना कलर्ड लाइनर यूज़ किया करो ये मेवलिन का स्काई हाई मस्कारा जो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है मेरी जो है ना डीप सेट आइज़ हैं येस मुझे अपनी क्लासेस में जाके पता चला कि मेरी आइज हुडेड नहीं है मेरी आइज़ हैं डीप सेट जो स्पेक्स पहनी है ऐसे, ऐसे आँखें अंदर धस जाती है ना उसको डीप सेट आइज बोलते हैं और ये जो मस्कारा का वॉन्ड है ना ये एकदम परफेक्ट है और ऐसे करते हो सब मूव बनाते हैं ये तो मुझे भी कैमरा में देख के ऐसी आ गई सो फटाफट से मस्कारा लगा लिया अब आती है लिपस्टिक की बारी मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ रो की लिपस्टिक के अंदर शेड जिंजर टी ये जो लिपस्टिक है ना यह काफी ज्यादा नरिशिंग है मॉस्चराइज है आई लवके मैगनेटिको एज यूजल मेरी एक आदत है मैं कभी भी एक शेड लगाकर नहीं निकलती मैं हमेशा मल्टीपल शेड्स की लेयरिंग करती हूं और उससे लिप्स पाउटी भी लगते हैं अच्छे भी लगते हैं प्लस लिपस्टिक जो होती है लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है तो सबसे पहले मैंने जिंजर टी लगाया है थोड़ा सा ना मुझे डार्क डार्क लगा इस लुक के हिसाब से थोड़ा सा रेड और लाइक हल्का सा ब्रिक ऑरेंज ऐसा टोन लगा सो उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यह मेबलिन की अल्टी मैट लिपस्टिक के अंदर शेड मोर बफ ये लिपस्टिक मैंने मिक्सिंग के लिए ही रखी है बिकॉज का जो एक्चुअल शेड है ना आप देख सकते हो बहुत ज्यादा न्यूड लाइट सा शेड है मैं इतना लाइट शेड नहीं यूज करना प्रेफर करती तो अपनी सारी डार्क लिपस्टिक के ऊपर यही लिपस्टिक लगाती हूँ आप देख सकते हो तो लगाते एकदम टोन डाउन हो गए लिपस्टिक और अब अच्छी लग रही है अब एकदम परफेक्ट वाला न्यूड कलर आया है आप कभी भी लिपस्टिक की लेयरिंग करो ना तो अच्छा रहता है बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है आपकी लिपस्टिक और ज्यादा लंबी चलती है आप देखो शूट कर रहे हैं कैमरा पर ना इतना ज्यादा वो जो ब्लश वाला हाईलाइटर है ना वो इतना पॉप नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं हल्का सा हाईलाइटर लगाने वाली हूँ वैसे मैं आजकल डेली लाइफ में लाइक like, दिन के टाइम तो नहीं लगाती रात को ही स्पेशल जाना होता है तो लगा लगाती हूँ so, का हाईलाइटर लगा रही हूँ बहुत प्यारा लगता है मैं इसका भी शेड और लिंक नीचे डाल दूंगी लिंक तो आपको नीचे मिल ही जाएंगे सबके बहुत हल्का लगा रही हूं ये बाद वे जो ये मार्स का ब्रश सेट है इसका भी मैं लिंक से दूंगी ये काफी अच्छा ब्रश सेट है इस वाले ब्रश से काफी अच्छा हाईलाइटर लगता है एंड आई एम रेडी दिस इज लिटरली माई ऑथेंटिक विंटर मेकअप लुक जो मैं आजकल करना प्रेफर करती हूँ स्किन ग्लो भी करती है नरिश भी रहती है ज्यादा ग्रीसी भी नहीं रहती अगर थोड़ी सी आपकी टी जोन ऑयली है तो आप लूज पाउडर यूज करके सेट कर सकते हो मेरा अभी ऑयली वाला सीन नहीं चल रहा तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूं इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जरूर चेक करना और मुझे जरूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी बाय बाय